एडवोकेट कालिया ने बताया कि नोएडा की एक कंपनी ने बाइक बोट के नाम से लोगों को मूर्ख बनाकर हजारों का घोटाला किया, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के साथ ठगी कर ली गई। तो कंपनी ने लोगों के किए गए वादे के मुताबिक पैसे देने बंद कर दिए। इस उपरांत लोगों द्वारा अपने पैसे लेने के लिए संघर्ष का बिगुल बजा दिया गया, जिसके चलते दबाव में आकर कंपनी के कई अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उक्त बातों को प्रवक्ता एडवोकेट पूनम कालिया ने किया। पूनम कालिया ने बताया कि बाइक बोर्ड वर्गित इन्वर्टिंग प्रमोटर लिमिटेड कंपनी के मालिक संजय भाटी की कंपनी ने बाइक बोर्ड नाम से स्कीम निकाली, जिसमें बताया गया कि एक बाइक की कीमत 62,100 रुपये जमा कराने पर एक साल में दुगनी रकम निवेश को वापस मिलेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी में 7 राज्यों के करीब 2 लाख से अधिक लोगों को चपत लगाई गई है। कंपनी ने इन लोगों के करीब 1,000 करोड़ रुपये ठग लिए गए। कंपनी ने शुरुआत में निवेशकों को विश्वास जिताने के लिए उनके खातों में किस्त भेजनी शुरू की, जो बाद में बंद कर दी गई। निवेशकों ने हंगामा शुरू किया तो कंपनी के मालिक संजय भाटी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कंपनी ने बाइक बोट की स्कीम लाकर एक साल में दुगना रकम देने का झांसा देकर लोगों को शिकार बनाया शुरू किया। इसके बाद कंपनी दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश तक अपना जाल फैला दिया। नवंबर दिसंबर 2018 को कंपनी ने किस्त देना बंद की तो निवेशकों की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि ठगी का शिकार हो गए। एक के बाद एक धीरे धीरे निवेशकों की कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। पुलिस का दावा है कि कंपनी ने 2 लाख से अधिक लोगों को ठगी की। हालांकि अभी तक कितनी रकम ठगी जा चुकी है, इसका आकलन पुलिस नहीं कर सकी है। बाइक बोट कंपनी का मालिक संजय भाटी ग्रेटर नोएडा में चित्ती गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एक मॉल में भी उसने निवेश किया था। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब फिर से इकट्ठे हो चुके हैं एडवोकेट पूनम कालिया द्वारा लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। ऑल इंडिया MLM विक्टम पीड़ित हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चलाकर लोगों के हक की आवाज़ उठाई जा रही है। कालिया का मानना है कि यदि लोग इसी तरह से इकट्ठे होकर चले तो इंसाफ जल्द मिलेगा। दोस्तों, बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय